मैं एक साइंस स्टूडेंट थी और इन सभी चीज़ों पे मैं कभी भी यकीन नहीं करती थी। हमारे फ्रेंड्स भी कभी कभार बोला करती थी अंगूठी पहन लो ये पहन लो, मैं इन सभी चीज़ों को अंधविश्वास के रूप में लेती थी। बट नाउ अभी मैं इन सभी चीज़ों को मानने को मजबूर हो गई और मानती भी हूँ। रूह आत्मा ये सब तो होते ही है। अविनाश सहदेव जो है ये बचपन ही से इस लाइन में रह चुके हैं और ये कारु कमखिया गए हुए थे और वहाँ जा करके ये इनको सिद्धि प्राप्त हुआ। इनके गुरु हैं वो इस दुनिया को छोड़ने वाले थे और सब कुछ इनको दे करके चले गए। अभी इनके पास ये सब चीज़ें देवी देवता जिन परी ये सब इनके पास है और इससे ये काम भी करते हैं। मेरी तबीयत जो ख़राब हुई थी ना तो उसमें आए थे अरविंद बाबू और ये इलाज करके मेरा पैर ख़राब हो गया था। इसमें से बहुत कंकड़ बालू निकला और ठीक हो गए। जादू जादू तो ना होता है ना, बाण मारा जाता है, वो बाण मार दिया गया था इस पैर में तो उसको यही ठीक किए थे। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार रोहिणी विद्या एक बहुत ही शक्तिशाली विद्या है जिसे हासिल कर बड़े बड़े काम बड़ी सरलता से हो जाते हैं, पर इसे पाना उतना ही कठिन है। अथक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती, इसलिए कई लोग इसे छीनने की कोशिश करते हैं ताकि इसका दुरुपयोग कर सकें, परंतु उन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि ऐसी शक्तिशाली रोहिणी विद्या का गलत इस्तेमाल करने वाले खुद अपने आप को ना जानते हुए भी हानि पहुंचा बैठते।